आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज अंतिम दिन तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट से लेकर स्टेडियम तक निकाली गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 अगस्त से 17 अगस्त के तहत आज अंतिम दिन पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने ICDS विभाग द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से सोनकपुर स्टेडियम के लिए रवाना किया। तिरंगा यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम एक सप्ताह का था। आज इसका अंतिम दिन है। आज 17 अगस्त है तो आज इसमें ICDS डिपार्टमेंट द्वारा स्कूटी रैली निकाली गई है। ये महिला सशक्तिकरण को समर्पित आज की रैली है। ICDS डिपार्टमेंट ने अच्छा प्रयास किया है महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है ये संदेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर स्टेडियम तक जाएगी और फिर वहां पर जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं मिशन शक्ति के तहत और स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान उन लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 तक का एक कार्यक्रम एक सप्ताह का था, तो आज इसका अंतिम दिवस है 17 तारीख का। तो आज इसमें ICDS डिपार्टमेंट द्वारा स्कूटी रैली निकाली गई है। ये महिला सशक्तिकरण को समर्पित आज की रैली है। ICDS डिपार्टमेंट ने एक अच्छा प्रयास किया है महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए, बल लाने के लिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है इस मैसेज को देने के लिए। तो यहाँ से लेकर के स्टेडियम तक जाएगी रैली और फिर वहाँ जो अच्छा कार्य किए हैं मिशन शक्ति के तहत और स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान, तो उन लोगों का मैं। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया सिंह, ARTO छवि सिंह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट MP सिंह आदि तमाम लोग मौजूद रहे। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो समापन है वो सिंबॉलिक रूप से था, प्रतीकात्मक रूप से। वैसे तो ये महोत्सव के रूप में 2023 तक, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनाए जाते रहेंगे, लेकिन ICDS की ओर से ये कार्यक्रम आज इस समापन दिवस पर रखा गया था। इसमें स्कूटी रैली निकाली गई कलेक्ट्रेट से, जो कि एक जो एकता और संगठन का प्रतीक थी। भारतीय संस्कृति अपनी एकता संगठन के लिए जाना जाता है। महिला शक्ति किस प्रकार से, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि महिला शक्ति को संगठित करने की आवश्यकता है, उनको सुरक्षा प्रदान और स्वावलंबन बनाने की आवश्यकता है, स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है, तो उस दिशा में ये प्रयास था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव से पर महिलाएं क्या राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगी, उस थीम को लेकर एक ये रैली निकाली गई। फ्लैग ऑफ किया आदरणीय DM सर ने इसको, सिटी मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर थे, अन्य हमारे जो प्रतिष्ठित महिलाएँ हैं वो वहाँ पर थी, मैडम प्रिया अग्रवाल जी हैं, अल्पना जी, शिखा गुप्ता मैडम ने भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। ये रैली कलेक्ट्रेट से स्टार्ट होकर पीली कोठी और जैन मंदिर, पीली कोठी से होते हुए इसको ले जाया गया अकबर के किले तक और फिर ये आगे हरथला से होती हुई ये विकास भवन और विकास भवन से फिर ये सेल्स टैक्स चौराहा और सेल्स टैक्स चौराहे से फिर ये स्टेडियम तक पहुँची। नियरली 1 आवर की ये जर्नी रही और सभी जोश में भरी हुई थी महिलाएं, उन्होंने नारे लगाए और जो फिनिशिंग पॉइंट था स्टेडियम में एक बड़ी रंगोली बनाई गई जिसमें भारत माँ और हमारे शहीदों का चित्र था। भारत माता के उस चित्र के साथ सभी लोगों ने उस रंगोली को देखा। वो एक तरीके से ये प्रतीक था कि किस प्रकार से हम भारत माता को नमन कर सकें। तो वहाँ पर आकर सभी ने, जब स्कूटी रैली समाप्त हुई, तो वहाँ पर नमन किया और स्टेडियम के ग्राउंड में ही एक भारत की नक्शा, जो एक काफ़ी बड़ा था, उस नक्शे पर उसकी आउटलाइन हमारी आंगनवाड़ी बहनों ने तिरंगा फहराते हुए की। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को आज प्रतीकात्मक रूप से समाप्त किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 11 से लेकर 17 तक कार्यक्रम चले हैं उसने पूरे मुरादाबाद में, देश भर की बात करूं तो पूरे देश में ही, एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां पर हर नागरिक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और वो समझेगा कि इस राष्ट्र के प्रति मेरे क्या